नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर। थैंक यू। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा एनजीओ है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है, आप समय निकालकर वहां आइएगा सर। देखिए, अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, वो शुभकर के केस का क्या? ओ, वो केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके पुलिस स्टेशन आने जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। कई लोगों की समाधि पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हूँ मैं। ये छोटी सी बात है, ये सोचकर हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी। शुभकर के बनाए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं तुम्हें पता है क्या? अभी तक पता नहीं चला सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसके लिए मैं हूं ना, जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ अभी। थैंक यू सर। सर, सांप चाहे बिल में हो, घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो, वो काटता जरूर है। इसमें सांप कौन है? ये कमिश्नर है क्या सर? गुड, उस फाइल को अपने लोगों को भेज कर ढूंढवा। ठीक है सर। आती हूँ जी। बंद करो। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बाप रे, ये आपकी हालत को क्या हो गया? इतना पसीना क्यों आ रहा आपको? अरे ये क्या हालत बना रखी है, बताइए ना क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? रुके रुके, मैं आपको पानी देती हूँ। पहले रुकिए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। लीजिए पानी पीजिए। हे भगवान, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बोलिए ना, क्या बात है? ये गाजर कैसे दी भाई? 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। क्या चाहिए? मटर। अभी और कितने दिनों तक मटर ही खाते रहोगे मास्टर जी? अभी सब्जियां छोड़ो, आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने की आदत डालो। इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्जी नहीं देगा। पाठ पढ़ाने वाले टीचर हो ना, पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। घर जाने के बाद एविडेंस ढूंढ कर रखना। एविडेंस? अबे नाटकबाज, अभी तेरा दूध से अभिषेक हुआ, शाम को खून से अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में तेरे घर आएंगे हम, सारा एविडेंस हमें चाहिए। आखिर कौन है ये लोग, क्या कहे जा रहे हैं, किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं? वो एविडेंस कहाँ है हमारे पास? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो तो इन चीजों को कभी हमारे घर लाया ही नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं ये लोग? चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, यस सर, बहुत तो खराब। आप आराम कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, कॉफी लेकर आती हूँ। पानी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? आप जाकर पानी लेकर आइए। बेटी, क्या हुआ? आजी मुझे लगता है चक्कर आ रहा है। ठीक है। ये लो। पानी दीजिए। ये लो पानी पी ले बेटा। आप कहीं मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए। रुको रुको। नहीं जी। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? मैंने कोई आवाज सुनी। उसे चक्कर आ गया। इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिनों से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर हो गई। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है। ये बच्चा तुम्हारे पति का अंश है ना, इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो अब उठो और जाकर खाना खा लो, इसे ले जाइए माँ जी।
सर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। हेलो, वो मिसिंग आईएएस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रीओपन करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बात क्या है, फोन को इस तरह जेब में रखकर घूम क्यों रहा है? वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अवार्ड फंक्शन में होंगे। उसे तो शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर कटने की नौबत है। किसका सर? साहब का। ये तू क्या कह रहा है? सच में सर, उस शुभकर का केस फिर से रीओपन हो रहा है। वो देश पांडे सबके सामने, मीडिया के सामने केस को रीओपन करने की बात कर रहा है। वो खुद ही बड़ी मुश्किल से चलता है, वो क्या केस संभालेगा? उसके बारे में बस इतनी जानकारी कि उसका पड़ोसी है और उसी के दम पे ये सब कर रहा है सर वो। इतनी छोटी सी बात पे डैड को फोन मत लगा, ये केस मैं हैंडल करूंगा। I'm so hungry. अभी मुझे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। ओके, पॉपकॉर्न देना भैया। भाई वो रहा वो आदमी, थोड़ा मसाला डाल। वो सब कौन है? वो उसकी बीवी है, वो उसकी बेटी। जाओ उसकी बहन को उठा कर ला। मैं से लेकर जाती हूँ। हाँ, कितना हुआ? आप बताइए। सर मेरी बहन को किडनैप किया गया है। राइटर पीछे बैठा है, कंप्लेन लिखवाइए। आप एक बार मेरे साथ आइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। बोला ना जाकर पहले कंप्लेन लिखवाओ। सर कंप्लेन लिखवानी है। डिटेल्स बोलो। मेरा नाम अवि है, मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था, तब कुछ अनजान गुंडों ने आकर मेरी बहन को किडनैप कर लिया। कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट फॉर्च्यूनर सर। गाड़ी का नंबर देखा था? हाँ सर, KA05M5656। क्या फिर से बोलना? KA05M5656। कहाँ से हुई थी? सिग्मा मॉल। ओह, वो इलाका तो हमारे एरिया में नहीं आता। एरिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ सर, FIR लिखकर एक्शन तो ले सकते हैं ना आप। हमें ड्यूटी कैसे करनी है हमें पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए लिमिट इम्पोर्टेंट है, तुम भी अपने लिमिट में रहो। तू जिसके बारे में कंप्लेन करने आया है पता है कौन है वो? वो कोई भी हो, क्या ज्यादा मत बोल, जगह खाली करे यहाँ से। सर मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है, वो एक व्हाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, नंबर था KA05M5656। वो लोग गुंडे जैसे लग रहे थे, कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। तूने देखा क्या, उसका किडनैप हुआ या फिर वो खुद ही कार में बैठ के गई? शायद तेरी बहन किसी को पसंद करती होगी, उसके साथ भाग गई होगी। देख ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वसंत नगर पुलिस स्टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिया नहीं है, यहाँ आया तो आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बता दीजिए आपसे होगा या नहीं, या फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाऊं? ए पुलिस स्टेशन में इतना चिल्ला क्यों रहा है तू, बोल तेरा मैटर क्या है? सर मेरा नाम अभिषेक है, मेरी बहन के किडनैपिंग की कंप्लेंट करने आया तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ए चुप हो जा रे। ए अनिल जरा उसे बोलने तो दे। अच्छा चल बता, किडनैप कैसे हुआ, कहां पर हुआ, सारी डिटेल्स दे।
उस कार की सारी डिटेल्स निकाल के मुझे दो। सर वो होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है। ये भी बढ़िया है, आप जैसे लोग कंप्लेंट कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंघम स्टाइल में फील्ड में ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना ये कानून को नहीं मानते। बड़ी आसानी से वो लोग कह देते हैं कि कैसे भी करके इस कंप्लेंट को वापस ले लो, और होता क्या है हमारा टाइम, गवर्नमेंट का पेन पेपर सब वेस्ट हो जाता है। तुम कंप्लेंट कर रहे हो लेकिन उसे फेस करने की ताकत है तुम्हारे अंदर, बोलो है क्या? अगर है तो मुझ पे भरोसा करो। वो होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे सीएम का बेटा हो, मेरे लिए मेरी बहन इंपॉर्टेंट। तू रेडी है ना? मैं इसके लिए रेडी हूं सर। Excuse me, अर्जुन कहाँ पर है? सर वो अंदर मीटिंग में है। सर सर अंदर मीटिंग चल रही है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। देख मेरे भाई, पुलिस की वर्दी होती है ना ये कानून के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस इनसे बात करनी है। 5 मिनट के लिए आप लोग बाहर जाइए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स गोइंग ऑन, अगर मुझसे बात करनी है तो रिसेप्शन में जाके वेट कीजिए। तो पुलिस वाले से बात कर रहा है, टोकन लेकर रिसेप्शन में बैठकर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे साथ इंक्वायरी करने आया हूँ। एंड द रीजन इज K05M565 फॉर्च्यूनर, ये कार तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है ना? हाँ, तो क्या हो गया? और उसी कार में इनकी बहन का किडनैप हुआ है ऐसा कंप्लेंट की है इन्होंने। किडनैप? कॉल आदि। नॉट रीचेबल सर। वो कार मेरा भाई यादि यूज करता है, उससे बात होते ही आपको कॉल करता हूँ। यू कैन लीव नाउ। तेरा ऑर्डर तेरे लोगों को दे समझा, और चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, तेरा भाई आएगा तब बात करेंगे। ए, दिमाग तो ठिकाने है ना, मेरे पास जो पावर है ना सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ जो खड़ा है ना सिक्योरिटी वाला उसे भी लेके नहीं जा सकते हो तुम। एक पुलिस वाले को चैलेंज कर रहा है तू? अगर मेरी ठन गई ना तो तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर घसीट कर ले जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, खाकी पर नहीं एक शेर पे हाथ डाला है। चल ऑफिसर। सर तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। चाहे तू किसी का भी बेटा हो, कानून के लिए सब बराबर है। मलेश्वर पुलिस स्टेशन के SI किरण कुमार, होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के बेटे को अर्जुन को इस वक्त अरेस्ट। हमें अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज मिली है। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा टीवी देख लीजिए सर। अर्जुन प्रसाद अरेस्ट हो गए हैं, उन पर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर क्या है ये सर? हमें कुछ टाइम दीजिए सर, आपका बेटा बाहर आ जाएगा। बाहर आने से क्या होगा? और जो इज्जत गई है वो बाहर आने से वापस आ जाएगी क्या? सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ सर। कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स इमीडिएटली, मेरे लिए बेंगलोर जाने का एक फ्लाइट टिकट बुक करो। ठीक है सर, अभी करता हूँ। Hey, कौन है यहाँ का इंचार्ज? सर क्या है ये? इतने बड़े केस को हैंडल करने से पहले अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये तुम्हें पता नहीं है? सर इस आदमी की कार से एक लड़की का किडनैप हुआ है सर, और जब मैं इनके पास इंक्वायरी करने के लिए गया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया सर। इनकी इज्जत को तुम उछालोगे तो तुम्हें लगता है ये चुप बैठेंगे? सर से माफी मांगो और अभी के अभी इन्हें छोड़ दो। ये क्या सर, सिंसियरिटी को अप्रिशिएट करने के बजाय आप गुनहगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कौन है ये? सर जिस लड़की की किडनैप की कंप्लेंट हुई है उसका भाई है। इनके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? अर्जुन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोप्राइटर, ही इज वन ऑफ द बिजनेस टाइकून्स। वो तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम भी नहीं जानते हो? अपने डिपार्टमेंट के हेड होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद का बेटा है ये। होम मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ, आप गुनहगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हेलो, ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बीच में मत बोलो। किरण कुमार तुम इस तरह क्या देख रहे हो, छोड़ दो इन्हें। सर FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। शट अप किरण कुमार, वो गाड़ी अर्जुन की ही है, लेकिन वो गाड़ी गुम हो गई थी, ऐसी कंप्लेन एक हफ्ता पहले लिखवाई गई थी, तुम्हें पता नहीं? सर मेरी बहन को उसी कार में उठा कर ले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। FIR लिखने के बाद एक्शन लेकर इंक्वायरी करना पुलिस की ड्यूटी नहीं है क्या सर? देखो ड्यूटी के बारे में तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रिमिनल कौन है, उसके बाद उसे अरेस्ट करके घसीटते हुए यहाँ लेकर आऊंगा। आखिरकार आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, ये बात आपने प्रूव कर दी। बोलना बहुत ही आसान है मिस्टर, लेकिन अब अगर एक भी शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें सीधा अंदर डाल दूंगा। इन सब का कारण यह गैर जिम्मेदार ऑफिसर है। यू आर सस्पेंडेड। सॉरी मिस्टर अर्जुन, हमारे ऑफिसर से गलती हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ सुनो विक्रम, अर्जुन के लिए जिसने कंप्लेन लिखवाई है उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करो। ओके सर।
आई एम सॉरी मिस्टर अभिषेक, यहाँ का पूरा सिस्टम ही करप्ट है मिस्टर अभिषेक, और इस सिस्टम को करप्ट करने वाले हैं ये कुछ पॉलिटिशियंस और इनके जैसे कुछ ऑफिसर्स। इनके साथ काम करने से तो बेहतर है कि नौकरी ही छोड़ देना। आई एम सॉरी अभिषेक। सर, आपने अर्जुन को गिरफ्तार किया और दो घंटे के अंदर ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों सर? एक मिनट, देखिए सच्चाई ये है कि अर्जुन की गाड़ी आज से एक हफ्ता पहले गुम हो गई थी। उन्होंने कंप्लेन भी लिखवाई थी, हमारे ऑफिसर ने ठीक से इंक्वायरी नहीं किया और इसीलिए उन्हें अरेस्ट करके उसने बहुत बड़ी गलती की। उस कार के बारे में अब तक आप लोगों को कोई भी क्लू मिला है क्या? देखिए पुलिस अभी उसके बारे में जांच कर रही है, जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई है उसका किडनैपर के साथ कोई संबंध है या नहीं, हम लोग उसके बारे में जांच कर रहे हैं। प्रसाद के बेटे अर्जुन के अरेस्ट केस में एक नया मोड़ आ गया है। जिसने कंप्लेन किया है उस पे ही शक किया जा रहा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सर सब कुछ ठीक हो गया है, जिस इंस्पेक्टर ने अर्जुन को अरेस्ट किया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसे सस्पेंड करने से जो मान सम्मान गया है वो वापस आ जाएगा क्या? हा? सर वो बात यह है, एक होम मिनिस्टर के बेटे के ऊपर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? उस इंस्पेक्टर को कौन हूँ, मेरा पावर क्या है उससे पता चल जाना चाहिए, समझे? तुम थोड़ा बाहर जाओगे? मॉर्निंग सर। मैंने अपने लोगों को अंदर भेजा है। तुम सबके लिए सारी तैयारी करो। ओके सर। तुम्हारे लिए फोन है। बोलिए साहब, कैसे याद किया? बंटी, तेरे लिए एक शिकार है, वो जेल के अंदर ही है। क्या करना है साहब? शेर को एक बकरा मिल जाए तो वो क्या करेगा? समझ गया साहब, काम हो जाएगा। वही है। ए, अंदर चल, अंदर चल। निकालो, मुझे जाना है। कूल कूल बंटी, ये क्या हो रहा है तुझे? वो मुझे मार डालेगा सर। अरे क्या बक रहे हो, शेर को कौन मारेगा? शेर, शेर क्या लगा रखा है सर, मैं उसके सामने डॉगी हूँ। डॉगी? डॉगी? उसका नाम सुनते ही गुंडे भी कांपने लग जाते हैं सर। उसी के डर से मैं यहाँ इस जेल में छुपा बैठा हूँ। वो बिहार का बब्बर शेर है। वो पुलिस डिपार्टमेंट का रुस्तम है। रुस्तम, रुस्तम, रुस्तम।